नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं बात सच है। दो सदाबहार मित्र, दोनों का नजरिया लगभग एक समान, यानी भारत के पीएम नरेंद्र मोदी और इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की सोच काफी मिलती जुलती है। पीएम मोदी ने भारत के इलाके पीओके को लेकर जहां रणनीतियां तेज कर दी है, वही नेतन्याहू ने पीएम बनते ही वेस्ट बैंक पर चढ़ाई करने का फैसला कर लिया है। चौंकाने वाली बात यह है कि इजराइल पीओके की वापसी को लेकर अपनी भूमिका भी तैयार कर रहा है, यानी दोनों राष्ट्रवादी नेता इस वक्त सबसे आक्रामक मूड में है। बड़ी बात यह है कि इन दोनों नेताओं को राष्ट्रपति ट्रंप का साथ भी मिला हुआ है। इधर पीएम मोदी पीओके को लेकर रणनीति तैयार कर रहे हैं, तो इसी बीच नेतन्याहू ने भी बिगुल बजा दिया है। नेतन्याहू ने कहा है कि वे कब्जे वाले वेस्ट बैंक के बचे अन्य हिस्सों को भी इजराइल में शामिल करने जा रहे हैं। ये वही वेस्ट बैंक है जिसको फिलिस्तीन अपना पूरा हिस्सा मानता है, जबकि नेतन्याहू ने ऐलान कर दिया है कि वह जुलाई में कदम उठाने जा रहे हैं। गौरतलब है कि इजराइल ने मध्य पूर्व युद्ध में 1967 में वेस्ट बैंक पर कब्जा कर लिया था और वहां करीब 5 लाख यहूदियों को बसा दिया था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय विरोध की वजह से कभी भी उसने औपचारिक तौर पर इसे इजराइल का क्षेत्र करार नहीं दिया। अब जिन लोगों को इसके पीछे नेतन्याहू की रणनीति समझ में नहीं आ रही है, उन्हें जान लेना चाहिए कि इसका एक कनेक्शन पीओके से भी जुड़ता है। इस वक्त पीओके पर भारत का नजरिया पूरी दुनिया न केवल समझ चुकी है, बल्कि इस प्रतीक्षा में भी है कि भारत उसे किस तरह हासिल करता है। जानकारों की माने तो इजराइल ने इस मुद्दे को ध्यान में रखते हुए बड़े पैमाने पर रक्षा सामग्री और तकनीक भारत को देने का फैसला किया है, लेकिन इसी बीच नेतन्याहू ने वेस्ट बैंक का मुद्दा उछालकर भारत को उलझन में डाल दिया है। दरअसल वेस्ट बैंक के मुद्दे पर भारत फिलिस्तीन का समर्थन करता रहा है। यासिर अराफात के वक्त से दोनों देशों के संबंध बेहद प्रगाढ़ रहे हैं। खासकर कांग्रेस शासित सरकारों ने इजराइल की उपेक्षा करके फिलिस्तीन को ज्यादा वरीयता दी है, जबकि फिलिस्तीन से भारत को कभी कोई फायदा नहीं हुआ है। उल्टे फिलिस्तीन के पाक में राजदूत ने हाफिज सईद के साथ मंच साझा करके अपनी मुल्लागिरी दिखाई थी। हालांकि पीएम मोदी ने इजराइल की यात्रा करके इस क्षेत्र में कूटनीति को अलग आयाम दे दिया है, जिससे इन दोनों शत्रु देशों के साथ भारत के संबंध मजबूत बने हुए हैं। खास बात यह है कि फिलिस्तीन में रेडिकल इस्लाम चरम पर पहुंच गया है, जहां हमास जैसे संगठन वही काम कर रहे हैं जैसा कि पाकिस्तान द्वारा पोषित आतंकवादी करते हैं। मगर नेतन्याहू इस बार बड़ा दांव लगा रहे हैं। अगर वे जुलाई में वेस्ट बैंक को इजराइल इलाका घोषित करते हैं, तो भारत के लिए इन दोनों देशों के साथ अपने संबंधों को बनाए रखने के लिए बड़ी चुनौती होगी। खासतौर से इजराइल को भारत नाराज नहीं कर सकता है। पीओके और वेस्ट बैंक का मुद्दा लगभग लगभग अलग है। अगर भारत विरोध करता है तो इजराइल से संबंध खराब हो सकते हैं, जबकि भारत द्वारा इजरायली कार्रवाई का समर्थन करना खाड़ी और यूरोप के देशों से भी मतभेद पैदा कर सकता है, जबकि भारत ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेगा। भारत को फिलहाल इन देशों के साथ की आवश्यकता है, क्योंकि भारत पीओके को लेकर जो व्यूह रचना तैयार कर रहा है वह इजराइल के एक कदम से तहस नहस हो सकती है। यानी नेतन्याहू के ऐलान ने फिलिस्तीन से ज्यादा भारत की टेंशन बढ़ा दी है। वैसे कहने वाले यही कहते हैं कि केवल पीएम मोदी ऐसे एकमात्र लीडर हैं जो नेतन्याहू को फिलहाल ऐसा करने से रोक सकते हैं। इस संबंध में पिछले दिनों दोनों नेताओं के बीच टेलीफोनिक वार्ता भी हुई है। भारत यही चाहता है कि पीओके का मुद्दा खत्म होने के बाद ही नेतन्याहू अपनी कार्रवाई कर सकते हैं, परंतु यहां नेतन्याहू भी उलझन में है। वेस्ट बैंक के मामले में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपतियों की तुलना में ट्रंप का रुख ज्यादा नरम रहा है। नेतन्याहू इसी का फायदा उठाना चाहते हैं। अमेरिका में इसी साल नवंबर में चुनाव के घंटे बजने वाले हैं। नेतन्याहू को आशंका है कि कहीं ये घंटे डोनाल्ड ट्रंप के विरुद्ध ना बज जाए, इसलिए भारत और इजराइल दोनों के ऊपर यह दबाव भी बढ़ रहा है कि ट्रंप के राष्ट्रपति रहते पीओके और वेस्ट बैंक का अपने अपने देशों में विलय कर लिया जाए। यानी अब इसे प्रतिस्पर्धा कहे या हालात की मजबूरी, दोनों देशों पर एक्शन लेने का प्रेशर बढ़ गया है। संभवतः ये बातें फिलिस्तीन के साथ पाकिस्तान भी समझ रहा है, इसलिए पाकिस्तान पीओके में इजराइल की एंट्री पर सवाल खड़े कर रहा है। उसका कहना है कि इजराइल से प्रशिक्षित यहूदी सैनिक एलओसी के आसपास जमा हो रहे हैं। वैसे पाकिस्तान के इन आरोपों में दम नजर नहीं आता है, परंतु सीमा के नजदीक उड़ते F-17 और F-16 पाकिस्तान की घबराहट को बयां जरूर करते हैं। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।